इंडियन मार्केट में वन एंड ओनली ऐसा गियर बॉक्स है 1.5 लीटर में जो आपको इतना बढ़िया माइलेज पेट्रोल में देने वाला है। बहुत से लोगों के डाउट रहते हैं कि यार इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। मिनी इनोवा लोग बुलाते हैं और आधी कीमत में आपको इनोवा वाला पूरा फील दे देती है। फील देती बिल्कुल, और लोग आज की डेट में इसको कैंपिंग के लिए भी बहुत यूज करते हैं और कस्टमर्स को 25, 26 से 27 तक ये माइलेज दे रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसा कि आप देख सकते हो आज हमारे साथ है 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, और जहाँ एक एमयूवी व्हीकल का नाम आता है ना इंडियन सेगमेंट में, अर्टिगा ने पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा है। और आज की वीडियो के थंबनेल टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा, शुड यू बाय अर्टिगा इन 2023। तो इंडियन मार्केट में जितने राइवल्स अवेलेबल है ना, सबसे इसको कंपेयर करने वाले हैं। बेस्ट डील्स के लिए आप यूनितारा मोटर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारे डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। अपने चैनल का रेफरेंस दे दोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगी। और आज की कौन सी ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जेन्युइन एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। वीडियो स्टार्ट करने के पहले कुछ खास चीज़ें बता देता हूँ यार इस कार के बारे में। सबसे पहले तो आप ये सेकेंड रो देखोगे ना, ग्लास देखो कितना बड़ा है। मतलब एक तो जो भी सेकेंड रो में पैसेंजर्स जा रहे हैं, इतना वाइड डोर ओपन हो रहा है, बहुत ही ईजिली जा सकते हैं। यहाँ से व्यू भी काफ़ी प्रॉपर है एंड बहुत ही बढ़िया आपको रिक्लाइन सीट्स यहाँ पर मिल जाती है। आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिक्लाइन कर सकते हो। एंड थर्ड रो में भी अगर आप इस कार को एज ए 5 सीटर यूज़ करते हो तो आपको बहुत बढ़िया बेस्ट इन सेगमेंट बूट स्पेस मिल जाती है, वो है 550 लीटर्स की। एंड इजीली इस सीट को आप ऊपर कर सकते हो, तो ओवरऑल बहुत ही स्पेशियस कार रहने वाली है। सो यार देखो, ज़्यादा बातें यहाँ पर नहीं करेंगे, अमन सर भी आज हमारे साथ हैं, तो जल्दी से चलते हैं इसकी ड्राइव पर। इंटीरियर भी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। 7 कलर शेड्स में ये कार आपको अवेलेबल है। बट इंटीरियर में जब भी मैं आता हूँ ना अर्टिगा के, ये जो बेस थीम है ना कहीं बहुत ही प्रीमियम फील दे देती है। सबसे पहले तो यार कार को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, बिकॉज अभी लोकेशन ढूंढ रहे थे हम, तो हमने यहाँ पर नीचे ले ली थी। रिवर्स पार्किंग कैमरे का आउटपुट आप चेकआउट कर लो। एंड अभी मैं टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट ड्राइव कर रहा हूँ जो कि है ZXi+। सो गाइज, आज की वीडियो में बेसिकली हम इसके सारे राइवल से कंपेयर करने वाले हैं। जैसा कि एक कंपटीशन तो इसी की फैमिली से आ जाता है, वो है XL6। देन उसके बाद बहुत से कस्टमर्स इसको किया कैरेंस के साथ कंपेयर करते हैं। आज तक अर्टिगा के डायरेक्ट कंपटीशन में कोई आया नहीं है, बिकॉज वन एंड ओनली मारुति का ऐसा प्रोडक्ट है ना, कौन सी भी गाड़ी मतलब कंपनी इसके साथ कम्पीट नहीं कर पाती। महिंद्रा ने मराजो निकाली थी, बट आप खुद ही उसका सेल देख सकते हो, अर्टिगा के कंपेरिजन में काफ़ी कॉस्टली थी। और आज डिटेल में इसकी सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो यार इसके इनिशियल पिकअप स्टार्ट करते हैं, यहां से लेते हैं हाईवे पे। सो राइट फ्रॉम द थर्ड गियर, काफी रेव हैप्पी इंजन है यार। मतलब जो पावर डिलीवरी थी शुरुआत से लेके एंड तक काफ़ी अच्छी थी, टॉप एंड तक। बट कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार इंजन से बहुत ही हार्शनेस वाला नोट आ रहा है। इंजन तो इसमें एक ही आता है, अब दो पावर फिगर्स के साथ आती है, जैसा कि इसमें CNG ऑप्शन आपको मिल जाता है। अभी मैं प्योर पेट्रोल वेरियंट ड्राइव कर रहा हूँ जो कि 1.5 लीटर का K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन आपको प्रोवाइड करा है, जो कि 101 BHP का पावर प्रोड्यूस करता है एंड 136 Nm का टॉर्क। बट अर्टिगा लेने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है, वो है CNG। अब CNG में काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में आ रही है एंड टूर नाम से भी आती है, जो कि बहुत से अभी व्यूअर्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे। हमें गाड़ी कहीं अटैच करनी है, उस हिसाब से हम इस गाड़ी को ले, या फिर हमारी फैमिली बड़ी है उस हिसाब से इस गाड़ी को ले। CNG में आपको जो पावर फिगर्स है वो मिलने वाले हैं, 86 BHP की पावर प्रोड्यूस करेगी एंड 121 Nm का टॉर्क। पावर में आपको मतलब अगर आप CNG भी ड्राइव कर रहे हो तो आपको कभी भी ये गाड़ी अंडर पावर नहीं लगेगी। तो अर्टिगा का बेस वेरियंट है ना LXi, वो आपको ऑन रोड मिल जाएगा अराउंड 9,50,000 rupees में। एंड इस प्राइस पॉइंट पे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इंडियन मार्केट में कौन सी भी ऐसी MPV नहीं है, मल्टीपर्पज व्हीकल, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, इस कंफर्ट, इतने अच्छी स्पेस एंड इतनी अच्छी रिलायबिलिटी के साथ कौन सी गाड़ी इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो। सो अब जैसे कि जहां पर बात आती है इसके राइवल से कंपेयर करने के लिए, देखो एंड में मैं आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा कि आपको अर्टिगा लेना चाहिए कि नहीं। बट जहां अर्टिगा और XL6 में लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो दो बड़े रीजन रहते हैं अर्टिगा लेने के पीछे। एक तो ये है कि अर्टिगा बहुत ही कम प्राइस रेंज में आपको मिल जाती है, बिकॉज जहां आप ZXi CNG वेरिएंट लोगे ना, इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट विद CNG, उतने में आपको XL6 का बेस मॉडल मिलता है ZETA, काफी कम प्राइस में आपको अर्टिगा मिल जाती है। दूसरी चीज, ये 6 पैसेंजर्स के साथ आती है, मतलब अगर अपन ड्राइवर को इंक्लूड ना करें फिर भी 6 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। बट वहीं आप XL6 में देखोगे तो जैसा कि वो कैप्टन सीट्स के साथ आती है, तो उसमें सिर्फ 5 ही लोग बैठ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ज्यादा लोगों के लिए गाड़ी चाहिए तो अर्टिगा एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बन जाती है। अब जहाँ बहुत से लोग इसको ड्राइवर से भी कंपेयर करते हैं, अब ड्राइवर मैं इसलिए नहीं बताऊंगा बिकॉज यार ड्राइवर देखो आपको कम पैसे में तो मिल जाती है, बट 1 लीटर का गियर बॉक्स है जो
कि बहुत ही अंडर पावर्ड है। उसके बाद मुझे उस गाड़ी की ना ही फिट एंड फिनिश अच्छी लगी, सेकेंड थर्ड रो में कोई इतनी अच्छी स्पेस भी नहीं है, तो ड्राइवर का तो ऑप्शन हटा ही देते हैं। इंडियन मार्केट में वन एंड ओनली ऐसा गियर बॉक्स है 1.5 लीटर में जो आपको इतना बढ़िया माइलेज पेट्रोल में देने वाला है। अब जहाँ किया कैरेंस की बात आती है तो देखो किया कैरेंस बहुत ही हाई प्राइस्ड है, माना मैंने प्रीमियम MUV ज़रूर है बट बहुत ही हाई प्राइस्ड है, और अगर आप उसका पेट्रोल गियरबॉक्स अर्टिगा के साथ कंपेयर करते हो ना तो जहाँ ये पेट्रोल में लोगों को 20-21 का माइलेज भी हाईवे पे इजीली दे देती है, कैरेंस में आपको 14-15 के ऊपर नहीं मिलने वाला, मैक्स टू मैक्स 16। तो अगर आप पेट्रोल वेरियंट ले रहे हो तो आपको किया कैरेंस का ऑप्शन ही हटा देना चाहिए, CNG ऑप्शन तो आपको मिलते नहीं है। और जहाँ पर डीजल की बात आती है तो डीजल में आपको वन एंड ओनली चॉइस बचती है किया कैरेंस, और वो भी मतलब बेस मॉडल ही आपको अराउंड 14,90,000 रुपीज़ तक चला जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं किया कैरेंस बहुत ही हाई प्राइस लगी, बट इस प्राइस पॉइंट पे कंपनी ने लॉन्च करी है एंड इतना पीक पे है ना अर्टिगा का सेल, मतलब दो वेरिएंट बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग बन जाते हैं, एक तो है अपना VXI CNG एंड दूसरा जो टूर में आता है स्टैंडर्ड CNG। तो इतने डिमांड में वेरिएंट चल रहे हैं। अमन सर भी मेरे साथ हैं, अमन सर से पूछना चाहूँगा अर्टिगा पे अभी वेटिंग कितनी है? अर्टिगा में अभी वेटिंग तो चल रही है, अगर आप CNG परचेस करते हैं तो CNG की 6 से 8 महीने की वेटिंग है, पेट्रोल वेरिएंट आपको 3 महीने के अंदर ही मिल जाता है। मतलब पेट्रोल में तो इतनी वेटिंग नहीं है बट CNG में वेटिंग इसलिए बिकॉज कंपनी क्लेम करती है इसका माइलेज 26 का और कस्टमर्स को 25, 26 से 27 तक ये माइलेज दे रही है। तो यार माइलेज ओरिएंटेड ये गाड़ी रहने वाली है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील के साथ जो चलाने का मजा है वो हमेशा ही, मतलब मैं कौन सी भी मारुति की कार ड्राइव करता हूँ, रैव हैप्पी इंजन आते हैं, मतलब इजिली 6,000 तक भी रैव कर रहे हो ना आपको बहुत ही मजा आएगा इस गाड़ी को चलाने में, एंड माइलेज से रिलेटेड तो कभी भी कोई भी शिकायत नहीं रहने वाली है। एक इंसिडेंट और शेयर करना चाहूँगा, अभी इनफैक्ट 4 दिन पहले ही ओमकारेश्वर गया था घूमने। जहां भी आप टूरिस्ट जगह या घूमने वाली जगहों पर देखोगे ना, हर जगह यार मुझे अर्टिगा दिख रही थी, हर जगह, मतलब अर्टिगा को छोड़ के मैंने कौन सी भी गाड़ी नहीं देखी। मुझे 2-3 इनोवा दिखी, इनोवा क्रिस्टा एंड 1-2 तवेरा जो कि बहुत ही कम चलती है आजकल, बट अर्टिगा ने पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा है। जिन लोगों की फैमिली बड़ी है ना उनके लिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। कंक्लूजन में तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि किनको ये गाड़ी लेना चाहिए किनको नहीं, बट अब मैं अमन सर से पूछना चाहूंगा आपका अर्टिगा के बारे में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या ओपिनियन रहेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि जो पेट्रोल के दाम है वो आसमान छू रहे हैं, तो मार्केट में फिर दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक CNG और दूसरा EV। तो EV तो हर कोई प्रेफर नहीं कर सकता, सो CNG ऑप्शन में ही जाते हैं सब कोई। तो CNG में सबसे बेस्ट गाड़ी 7 सीटर में अर्टिगा ही है, क्योंकि मारुति की सबसे सही चीज़ है कि CNG टैंक के साथ साथ बूट स्पेस भी दे रहा है इस गाड़ी में, और इस प्राइस में इस सेगमेंट में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो CNG टैंक के साथ साथ बूट स्पेस दे। बहुत से लोगों के डाउट रहते हैं कि यार इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप अगर गूगल करके देखोगे ग्लोबल एनकैप की तरफ से 3-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है जो कि काफ़ी अच्छी मानूंगा। अब देखो 5-स्टार तो कौन सी भी अभी MUV नहीं है इंडियन मार्केट में, 3-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है जिसकी सेफ्टी मतलब अर्टिगा की मैं बोलूंगा कि अच्छी मानी जाएगी। सेफ्टी रेटिंग से रिलेटेड आपको इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखते हो ना राइवल्स के कंपैरिजन में, तो आपको अगर लो मेंटेनेंस कार चाहिए, बेटर रीसेलिंग चाहिए, उसके बाद एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसे आप लेकर 8-10 साल भूल जाओ, तो फिर यार अर्टिगा ही एक चॉइस बन जाती है। मिनी इनोवा लोग बुलाते हैं और आधी कीमत में आपको इनोवा वाला पूरा फील दे देती है। फील देते बिल्कुल, और लोग आज की डेट में इसको कैंपिंग के लिए भी बहुत यूज करते हैं, जिसे गोवा मनाली या टूरिंग करना है या जिसे बिजनेस पर्पज के लिए यूज करना है वो भी इसको यूज करते हैं। मतलब एक तरह से ये जिस बजट में गाड़ी मिल रही है दूसरी कोई गाड़ी ही नहीं है उस बजट में जो इतने सारे फीचर्स के साथ है। किसी गाड़ी का नाम चलता है तो ऑब्वियस सी बात है वो टूरिंग में यूज होगी, टैक्सी पर्पस में भी यूज होगी, तो बहुत से लोगों को रहता है कि यार अर्टिगा टैक्सी पर्पस में चल रही है तो हम ले ना ले। तो देखो यार अब सारी गाड़ियां, जो गाड़ियां अच्छी है वो तो सब पर्पस में चलेगी। अगर आप बड़े होटल्स में देखोगे तो महंगी प्रीमियम कार भी टैक्सी पर्पस में यूज होती है। अगर आपको एक पर्सनल फैमिली के लिए कार चाहिए तो XL6 भी बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा, बट जहां आपका बजट कम है आपको एक अच्छे मतलब 10 से 11 लाख में ऐसी MUV चाहिए जो आपको बहुत ही बढ़िया माइलेज दे, बहुत ही अच्छी रीसेलिंग दे, तो अर्टिगा आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो जाएगी। किया कैरेंस अगर आप टैक्सी पर्पस के हिसाब से लेना चाहते हो तो किया की गाड़ियों को आप अटैच नहीं कर सकते हो। एक बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है, ड्राइवर का तो ऑप्शन रखते ही नहीं, और जहां इस बजट की बात आती है मैंने आपको पहले ही बोल दिया अर्टिगा के कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में है ही नहीं, और इस मार्केट में कौन सी कंपनी ने घुसने की भी कोशिश नहीं करी। महिंद्रा अपना मराजो प्रोडक्ट लेकर आई थी जो कि फेल हो गया, टाटा उसके बाद ह्यूंडई, कोई भी इस
प्राइस पॉइंट पे गाड़ी ऑफर नहीं करता है, जैसे कि Hyundai की अल्कज़ार है और बाकी जो प्रीमियम MUVs है या बड़ी 7-सीटर कार्स है वो बहुत ही कॉस्टली हो जाती है। ऑल राइट गाइज, वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कौन सी पर्टिकुलर कार के ऊपर आपको स्टूडियो बाय वाली वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कॉमेंट में एक बार ज़रूर शेयर करना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।